निकलते फटाफट से। कितने बजे विंदेश भाई? साल भड़का रहे यार। हेलो, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज अभी हम निकले हैं वीरपुर के लिए। तो आज साथ में मैं हूँ, द्रुमिल है, धवल भाई है और बिंदेश है। तो हम सब चारों आज निकले हैं। तो अभी यहाँ पर चाय नाश्ता किया, अभी हम निकलेंगे वहीं पर जाने के। तो बहुत ही मजा आने वाला है, स्टे ट्यून, बहुत ही मजा आएगा। क्यों दोस्तों, मजा आएगा सबको? एकदम। हाँ यस, चलिए फिर निकलते हैं इधर से। पहले तो थोड़ा सा मैं होटल का व्यू आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी कौन ड्राइव करेगा अभी? तो मुझे थोड़ा वीडियो लेना होगा, आप ले लोगे? ठीक है चलो। तो गाइस अभी हम चिलोड़ा वाले हाईवे पर आ गए, चिलोड़ा वाले हाईवे पर। तो अभी यहाँ से जाएंगे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से होकर राजकोट हाईवे से होकर जाएंगे दांगद्रा राजकोट हाईवे से। वैष्णो देवी सर्कल से आगे निकल गए सरदार धाम, हमारा धाम सरदार धाम। बावड़ा हाईवे पर यहाँ पर डीजल भरवाने के लिए खड़े हैं, तो डीजल भरवाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। पीछे गाड़ी में कैसे बैठे हैं देखो। अभी हम बगोदरा हाईवे पर खड़े हैं, गांठिया रथ होटल तुलसी के पास। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए। तो अभी सबने नाश्ता कर लिया है अच्छी तरीके से। कितने बजे विंदेश भाई? साल हो जाए मैं ना। 3:30 बजे हैं, पहुंचते शायद अभी और 5 घंटे हैं। बजे देख लो, अभी बेड हो गया है रेडी पीछे सोने के लिए। तो धन लग रही है ना? धन लग रही है। हाँ बंद कर दो। चलिए सो गए थे, वापस बाहर निकले। अभी चाबी खो गई है, ये खोला था, इस मैंने ही खोला था ये, लेकिन चाबी तेरे हाथ में थी। हाँ तो कहाँ पे गई? मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे पहुंचेंगे? हाँ इसके पास ही थी, मैंने बोला था ना इसके पास ही थी। चलो मिल गई, आधा घंटा आधे घंटे से खोज रहे हैं यार, मिल गई। चलो आखिरकार बंद कौन करेगा अभी? ठीक है चल। अभी सुबह के 5 बजे हैं, मैं भी अभी गाड़ी में सोकर उठा हूँ। मैंने देखा तो गाड़ी अभी खड़ी है, और ये देखो गाड़ी खड़ी रखकर यहाँ पर सो गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मुझे भी मालूम था कि गाड़ी में मैं उठा तो ये सब बाहर सो रहे हैं। मैंने सोचा गाड़ी क्यों खड़ी रखी है, तो अभी मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। और ये द्रुमिल भाई क्या बोल रहे हैं, बिंदेश भाई क्या चिपका क्या है पैर में? बिंदेश भाई पैर लिम्बोड़ी, बिंदेश भाई अपने पैर में लिम्बोड़ी चिपका क्या है? बाल देख कर बोल रहे हैं कि इसके पैर में लिम्बोड़ी चिपक गई है, नीम के पेड़ में जो आती है। हम यहाँ पर वीरपुर गांव में पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पर पार्किंग कर दी है हमने, और हम यहाँ पर खड़े हैं। जगह भी बहुत ही अच्छी है, तो अभी कहीं पर फ्रेश होंगे, नहा धोकर फिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। ठीक है चलिए फिर, अभी गेस्ट हाउस ढूंढ कर एक बार नहा लेते हैं। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। तो अभी हमने यहाँ पर रूम ले लिया है, तो अभी बिंदेश भाई गए नहाने के लिए, फिर मैं जाऊँगा, सब नहा लेंगे और फिर जाएंगे पापा के दर्शन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में नहा धोकर। धवल भाई के बाल बनाए जा रहे हैं, देखो सिखाओ सिखाओ, कभी भाभी का भी नहीं किया होगा, करना पड़ेगा। ये वाह शाबाश। अहंकार बार बार देना साथ, तो चलिए अभी चलते हैं जलाराम बापा के दर्शन के लिए। भगवान दर्शन कर चलो चलो दिल मेरा
पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। खरीदी की धमाल में बिंदेश भाई भाई ले लो भाई चलिए चलिए चलो। अबे दो पर्स भी ठीक से नहीं रख सकते। जलाराम बाबा के दर्शन करके अभी हम निकल रहे खोडल धाम, क्योंकि अभी क्या अंदर का तो सीन में दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर कैमरा और सब रिस्ट्रिक्शन था, इसीलिए तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं। अंदर की बहुत अच्छी वाइब थी और जलाराम बाबा के पूरे दर्शन किए, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर उसका मकान उनका मकान था, मंदिर सब देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं खोडल धाम, तो चलिए फिर निकलते हैं। ये मार डालेगा साला इधर से गाड़ी लेके आया, मुझे मार डालना चाहता है। मार डाल मुझे मार डाल। अब तो आ रहे आस पास आ रही बारात करना इंकार बार। तो अभी खोडल धाम के लिए निकल गए हैं। यहाँ से बहुत वीरपुर से बहुत ही नजदीक है, 6-7 किलोमीटर ही है। तो खोडल धाम पहुँच गए हम। अभी यहाँ पर पार्किंग करेंगे। इतनी कार है यहाँ लगी पड़ी है। हाँ क्या बोला तूने? तो जो वीरपुर आते हैं वो यहाँ खोडल धाम तो जरूर आते हैं, क्योंकि हाँ आते ही है यहाँ पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पीने के लिए पानी तो गन्ने का जूस। पेड़ चलो फिर अंदर जाते हैं, फिर आके पियेंगे। चलो व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है यहाँ पर पीने के लिए पानी। तो चलो यहाँ पर चेकिंग करा दे फिर निकल दे। हम अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो आए तो एक बात का खास ध्यान रखना कि शॉर्ट्स पहन के ना आए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। तो चलिए अभी हम चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन शाम को यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता होगा। तो मंदिर से तो बाहर आ गए गार्डन में, तो अभी जा रहे हैं पानी पीने के लिए। बहुत ही प्यास लगी है क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो चलिए फिर जाके पानी पीते और शांति से कहीं पर बैठते हैं छांव में। व्यवस्था अच्छी की गई, पानी के पीने के लिए पानी भी है, ठंडा मिनरल, चाय नाश्ते के लिए भी है व्यवस्था।
यहाँ पर है और सामने ही सब व्यवस्था है, पानी की, खाने पीने की सब। अबे यार गर्मियों में चाय पी रहे हो हैं क्या? हाँ नाइट को भी हमने उजागरा किया था। हाँ ऐसा बोलो फिर अपनी वाट लगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? एकदम ठंडा है। तो अभी यहाँ पर आराम गृह में आ गए हैं, शांति से बैठे हैं, बहुत ही अच्छी छांव है और पवन भी चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर धूप बहुत है तो ये सब जगह आपको दिख रहा है, ये सब आराम गृह है। तो आप यहाँ पर आए तो शांति से खाकर फिर आराम कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक घंटा आराम करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो सबको यहाँ पर बढ़िया सी नींद आ गई है, सब सो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम खोडलधाम से निकल रहे हैं, यहाँ से जाने वाले चोटीला करीबन 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो अभी फटाफट से वहाँ पर नहीं, क्योंकि शाम तक अभी रात तक घर भी पहुँचना है, तो जल्दी से निकलते हैं। चलिए तो अभी हम कार में आ गए, लेकिन कार में इतनी गर्मी लग रही है।